चैप्टर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। आज हम यहाँ तत्वों के पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। कक्षा 9 में हमने सीखा है कि हमारे आसपास के तत्व यौगिक और मिश्रण के रूप में मौजूद हैं। 118 ऐसे तत्व हैं जिनके विभिन्न गुण मानव जाति के लिए जाने जाते हैं। इसमें 94 स्वाभाविक रूप से होते हैं, जबकि शेष 24 सिंथेटिक होते हैं। चूंकि विभिन्न प्रकार के तत्व हैं, वैज्ञानिकों ने उनके गुणों के अनुसार उन्हें वर्गीकृत करने के तरीके खोजे हैं। वर्गीकरण में से दो हैं डोबिनेट्राइड, ऑकलैंड के न्यूलैंड कानून। वर्ष 1817 में जर्मन रसायनिक जोहान वॉल्फगैंग डोबिनियर ने पेड़ों में से एक साथ समान गुणों के तत्वों की व्यवस्था की। उन्होंने इन समूहों को ट्रायड्स कहा। उन्होंने कहा कि त्रिभुज जनता के बढ़ते क्रम में लिखे गए थे और मध्य तत्व का परमाणु द्रव्यमान यानी एटॉमिक मास अन्य दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का औसत था। यहाँ प्रश्न यह है कि परमाणु द्रव्यमान यानी एटॉमिक मास क्या है? यह और कुछ नहीं बल्कि एक परमाणु का प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या का योग है। उदाहरण के लिए ऑक्सीजन तत्व में ऑक्सीजन प्रोटॉन की संख्या 8 है और न्यूट्रॉन की संख्या भी 8 है। इस प्रकार प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या 8 और 8 होगी जो 16 है। इस प्रकार ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 है। इस वर्गीकरण का दोष यह है कि यह केवल तब लागू किया गया था जब कुछ तत्वों का मनुष्य के लिए जाना जाता था। वर्तमान जीवन में और दूसरे तत्वों की खोज की जा चुकी है, इसलिए इस वर्गीकरण का अब उपयोग नहीं किया जा सकता। ऑकलैंड के न्यूलैंड कानून। जब डोबिनियर ट्रायल फेल हो गए तो वर्ष 1865 में जॉन न्यूलैंड ने परमाणु भार बढ़ाने में तत्वों की व्यवस्था करने की कोशिश की। उन्होंने देखा कि तालिका के प्रत्येक 8 तत्व में समान भौतिक और रासायनिक गुण हैं। केवल कैल्शियम तक ही लगाया जा सकता है। हाइड्रोजन के लिए एक उचित स्थान नहीं सौंपा गया था। दो तत्वों का एक ही स्लॉट में रखा गया था। नए तत्वों के लिए कोई स्थान आवंटित नहीं किया गया था। इस चैप्टर में हमने पढ़ा डोबिनियर के ट्रायड्स के बारे में और न्यूलैंड के ऑक्टेव्स यानी 8 तत्वों के बारे में। ध्यानपूर्वक श्रोता होने के लिए धन्यवाद।